सत्य ये है, ये ज़मीन 1959 से लेकर 1962 तक चाइना ने इसके ऊपर कब्जा किया। शासन में कौन था उस समय? और ये मैं आपको एक फौजी के नाते बता रहा हूँ, जब से हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तब से ना एक्स्ट्रा ज़मीन गई है ना ही जाएगी। यदि पूर्व में जा चुकी तो वर्तमान में भाजपा काबिज है सत्ता में, तो क्या ऐसा कोई प्रयास किए जा रहे हैं या किए जाएंगे जिससे कोई भी युद्ध किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को कम से कम 20 साल पीछे ले जा सकता है, कोई भी युद्ध। और इसलिए युद्ध करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि आपने क्या करना, क्या और तरीके हैं क्या। और हम लोग हमेशा यही कहते हैं, युद्ध आखिरी उपाय है, हर चीज के ऊपर युद्ध नहीं होता है, आखिरी उपाय है। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाएगा, बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करना। राजस्थान में योगी मॉडल लागू होगा क्या आपकी सरकार? पहले आप सरकार को लाओ ना, आती है तो ना। मैं कह रहा हूँ पहले सरकार को लाओ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, बढ़िया बनेगा। G20 समिट में चाइना का रिप्रेजेंट नहीं हो पाया, क्या चाइना के प्रधानमंत्री आए भाई, ली क्यांग, उनको मैंने रिसीव किया, शी जिनपिंग नहीं आए, शी जिनपिंग की कोई और मजबूरी रही होगी। आखिरी सवाल है, यदि राजस्थान में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कौन फेस होगा भाजपा की तरफ से, मुख्यमंत्री का फेस होगा? एक चीज़ बताइए आप मुझे, भारतीय जनता पार्टी ने सारे चुनावों के अंदर कभी अपना फेस बताया क्या? सिर्फ उन्होंने प्रधानमंत्री का फेस बताया था 2014 में, पार्टी की प्रथा नहीं बताते। तो ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता, लेकिन मानकर चलिए जो लोग अच्छे हैं, जो उपयोगी हैं, जो जिनके ऊपर जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी उनको लेकर चलती है। मतलब योगी जैसे राज्य की उम्मीद करें तो बीजेपी सत्ता में आती है, तो योगी जी जैसे राज्य की उम्मीद करें बीजेपी सत्ता में आती है तो? देखिए, कानून और व्यवस्था योगी जी से कंपेयर मत करिए ना आप उदाहरण दे रहे थे, मैंने उदाहरण इसलिए दिया कि वहाँ पर कानून व्यवस्था सुधर गई। अब उनके मॉडल को लेकर सब लोग बात करते हैं, तो जो भी आएगा मुझे आशा है कि वो उनके मॉडल को लेकर आगे काम बढ़ाएगा।